लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और तमाम ड्रामों की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करें। ड्रामा से फितरत के नेक्स्ट एपिसोड में व्यूवर्स आप देखेंगे, शहबाज जो है वो बहुत समझाता है फारिया को। वो फारिया ज़बरदस्ती उसे कहती है कि मुझसे मिलो, वो तंग आकर उसे मिलने के लिए जाता है। वो उसे बहुत समझाता है, देखो तुम अपना भी घर ख़राब कर रही हो और मेरा भी घर ख़राब कर रही हो, तुम्हारी इन हरकतों से हम दोनों का घर ख़राब हो जाएगा। फारिया कहती है मैं यही चाहती हूँ। वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं तुम्हें एक बात साफ बता दूं, मैं अपनी बीवी मलिहा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूं और मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना। लिहाजा मेरे दरमियान आने की कोशिश मत करना, और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें आज तुम्हारे मुँह पर कहता हूँ कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। हाँ वक्त चला गया जिस वक्त मैं तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन तुम्हें सिवाय दौलत की और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। फारिया उसकी बातें खामोशी से सुन रही होती है और उसकी आंखों से आंसू जारी रहते हैं। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं तो तुम्हें नहीं भूल पाई। वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका हुआ है, तुम्हारी ये आंसू जो जारी है मुझे कोई मेरे लिए मायने नहीं रखते, और ये बात सच है। तो अपना भी घर ख़राब कर दोगी अपनी इन हरकतों से और मेरा घर भी ख़राब कर दोगी। इससे हम दोनों को कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय इसके कि दोनों का घर ख़राब होगा। मैंने तुम्हें साफ बता दिया है कि मैं मलिहा से मोहब्बत करता हूँ और तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मुझे तुमसे अब नफरत है, क्योंकि तुमने अपनी खुदगर्जी में सिर्फ और सिर्फ पैसे को अहमियत दी है और तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं है। तुम झूठ बोलती हो, तुम्हें मेरे से मोहब्बत नहीं है। फारिया उसे कहती है नहीं मुझे तुमसे मोहब्बत है शहबाज, लेकिन शहबाज उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है ये सब गलत है, अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो सिर्फ पैसे से। वो दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं जिस वक्त मलिहा अपनी माँ के साथ वहाँ पर आ जाती है। इन्हें पता नहीं चलता। फारिया जो है वो शहबाज से कहती है अगर तुम्हें ये लगता है तो यही सही, अब मैं तुम्हें बर्बाद करके दिखाऊंगी। पहले तो मैं चुप थी लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर घर ख़राब होता है तो हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं तुम्हारे इस पागल भाई के साथ रहना भी नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ इस तुम्हारी वजह से इस घर में आई थी, तुम्हारी वजह से मैंने उससे शादी की, और अब मुझे उस पर किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। और अब घर कैसे ख़राब होता है, मैं तो चाहती यही थी। दोनों का होता है हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी हकीकत सब कुछ सब बता दूंगी, ये याद रखना। और अब मैं बाज़ आने वाली नहीं हूँ। शहबाज से रोकने की बहुत कोशिश करता है और समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझती। और वहीं पे मलिहा उन दोनों को साथ में देख लेती है, जिस पर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। मलिहा उसे देख के वहाँ से चली जाती है।